साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, इतना ही नहीं खुद नेहरू जी ने 75 साल पहले जब संविधान बन रहा था तो साफ साफ कहा था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। अब कर्नाटक का मैं उदाहरण देता हूं, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। ये घटना आप गांव गांव जाके बताना, कर्नाटक में क्या किया उन्होंने। जैसे पूरे देश में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वैसे कर्नाटक में भी मिलता है। 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है। इन्होंने क्या किया, रातों रात एक फतवा निकाला, रातों रात एक ऑर्डर निकाला और उस पर थप्पा मार दिया। ऑर्डर क्या निकाला, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जितने भी मुसलमान है, वो पसमंदा है कि नहीं है, वो अगड़ा है कि नहीं है, वो सैयद है, पठान है, कौन है, कोई भी, हर मुसलमान को रातों रात ओबीसी बना दिया। एक कागज निकालकर वो रातों रात ओबीसी बन गए। अब हुआ क्या, जी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उसमें ये नए ओबीसी आ गए, रातों रात आ गए। और उन्होंने जो पहले जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें डाका डाला, लूट चलाई, पिछले दरवाजे से चोरी की, ये करके उन्होंने जो सालों से ओबीसी परेशान है उनको जो मिलता था वो भी लूट लिया। अब उनका इरादा है जो कर्नाटक में किया वही पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। धर्म के आधार पर एससी एसटी ओबीसी उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण को धर्म के आधार पर डाका डाल के लूट लेने वाले हैं। क्या इससे हमारा पासी भाई बहन, हमारे कुर्मी भाई बहन, हमारे यादव भाई बहन, हमारे लोधी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन, हमारे शाक्य भाई बहन, हमारा कुशवाहा भाई बहन, इन सब का रातों रात लूट जाएगा? इतने सालों से जो हक आपको मिला है उसमें डाका डालने का खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान पर इनको कोई भी खेल खेलने नहीं दूंगा।
जब तक मोदी जिंदा है मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है एससी एसटी ओबीसी उनको जो आरक्षण मिला है किसी को भी उसमें से रत्ती भर चोरी नहीं करने दूंगा। साथियों, कांग्रेस और इंडी वालों की नजर आपकी संपत्ति पर है, इनकी नजर आपके घर, आपके मकान, आपका खेत, आपके पास कोई नकद रकम है कैश है तो वो, आपके घर में कोई गहने हैं जेवर है, शादी में आपके परिवार की महिला अपने मायके से जो स्त्री धन लाई है, मंगलसूत्र है, ये सारे पर ये इंडी वालों की सपा कांग्रेस की नजर है। और वो खुलेआम कहते हैं कि आपके पास जो है उसका एक्सरे निकालेंगे। एक्सरे मैंने तो कांग्रेस वालों के दिमाग का एक्सरे निकाल दिया है। वे आपका एक्सरे निकालेंगे और आपके पास जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको वो लूट लेंगे। और कहते हैं कि संपत्ति लेकर के हम उसको बांटेंगे। किसको बांटेंगे? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह के गए हैं। मतलब ये जो आपसे ले लेंगे, जिनका पहला अधिकार है वो अपनी वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, क्या आपके पूर्वजों ने जमा की आपकी संपत्ति क्या सरकार को छीनने देंगे? क्या जरा पूरी ताकत से बताओ, छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों का मंगल सूत्र छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों के जवेरात छीनने देंगे क्या? क्या आपके खेत के टुकड़े होने देंगे क्या? क्या आपकी संपत्ति लूटने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी दीवार बन के खड़ा है। आप मुझे बताइए, आपको लूटने के इरादे जिनके मन में है, क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को घर वापस भेजना चाहिए कि नहीं? चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं? हर पोलिंग बूथ में साफ करना चाहिए कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा बीजेपी एनडीए को वोट देकर के इनका सफाया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?